So this is my local friend. Alright, thank you so much. Take care. Bye bye. अभी आप ये देखें ना, ये सब यहाँ पे लोकल रह रहे हैं। जब हमारे लोग इंग्लैंड में आए तो वो उनके जो हॉलवे थी ना, पुरानी टाइलिंग थी, एग्जैक्टली डिग की कारपेट डाल दी। तो गाइज, अगर आप सर्च करो कि बाकू के अंदर कौन कौन सी जगह घूमने के लिए, तो आई एम श्योर टॉप पे आपको मिलेगा शिवनशाह पैलेस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं कबीर राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। वेल, मैं हूं इस वक्त अजरबैजान के शहर बाकू को एक्सप्लोर कर रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं यहां की इंटरेस्टिंग जगह जहाँ पर आप जा सकते हो ईजिली। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ शिवनशाह पैलेस, जो कि ये रहा मेरे सामने। आप देख सकते हो, ये है जनाब शिवनशाह पैलेस, जो कि 15th century में बना था। बहुत ही खूबसूरत है, और इस तरफ गार्डन है, पार्क है, और ये इसकी जो है मेन एंट्रेंस है। इस तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं और होटल्स वगैरह भी हैं। चलते हैं अंदर, चेक करते हैं इसकी टिकट की प्राइस इसकी कितने की है और अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। पहले इसकी टिकट बाय कर लेते हैं। मैंने इसकी टिकट जो है वो बाय कर ली है, 15 मनात। आप देख सकते हो 15 मनात की ये टिकट है। और अभी जैसे ही आप इस पैलेस के अंदर एंटर हो गए तो सामने आपको मिलेगा ये ब्यूटीफुल कोर्टयार्ड। या श्योर, थैंक यू सो मच। ये लो भाई, टिकट काट के उन्होंने अपने पास रख लिया, आधी मुझे दे दी है। कह रहे हैं कि ये पैसे बाद में वसूल कर लेना हमसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 50 मनात की ये टिकट है। कोर्टयार्ड आपने देख लिया, ये है भाई यहाँ का कोर्टयार्ड। तो चलते हैं अंदर इसके और एक्सप्लोर करते हैं इस शिवनशाह पैलेस को अंदर से। तो जैसे ही आप इसके अंदर एंटर होंगे, फ्रंट स्क्रीन आपको ये मिलेगी, ये एक किस्म का मैप है। गाइस, ये एक सेक्शन है जहाँ पे ज्वेलरी पड़ी हुई है। पहले तो वहाँ पे क्या नाम है, कारपेट वगैरह और कुछ 14th और 15th century के बर्तन वगैरह पड़े हुए थे। इस सेक्शन पे अगर आप जब आओगे तो आपको नज़र आएगा, ये देखो ज्वेलरी है, स्पेशल ज्वेलरी उस टाइम की औरतें पहना करती थी। और ये है जनाब घोड़े की ज्वेलरी। भाई अजरबैजान के लोग ख़ास तौर पर औरतों से और अब घोड़ों से बहुत प्यार किया करते हैं। और थे We can buy if we want, right? No English? Okay. And have t-shirt, have Irish. Okay, souvenirs. Yes. That's a souvenirs. All right, thank you. Hi, good afternoon. Okay, this is the shop, guys. इसके अंदर छोटी छोटी shops भी बनी हुई हैं, कुछ buy कर सकते हो आप, souvenirs ले सकते हो। तो मेरे ख्याल में
बाहर लोकल स्ट्रीट से आप ले लो वो ज़्यादा सस्ती पड़ेंगी आपको, क्योंकि ये म्यूज़ियम के अंदर ऑफकोर्स ये ज़्यादा महंगी होंगी। तो भाई इस सेक्शन में जब आप आओगे तो आपको एक ब्यूटीफुल यहाँ पे सिटी मॉडल मिलेगा। ये पूरी ओल्ड सिटी आप देख सकते हो, ये है किला और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको मिलेंगी उस टाइम की। शहंशाह पैलेस से बाहर आ चुका हूँ और बाहर आपको ये दिखेगा क्या नाम है, फाउंटेन। यहाँ पे आपको फाउंटेन जो है हर जगह पे मिलेंगे। दो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, एक तो ये है कि स्ट्रीट पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सविनियर शॉप्स देखने को मिलेंगी, और सेकंड ये कि फाउंटेन आपको बहुत देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और इस तरफ ये देखो आप, चलो चलते हैं दूसरी तरफ। ऐसा पड़ा व्यक्ति है ना, और ये है मस्जिद। मस्जिद का मीनार आप देखो, मोहम्मद मॉस्क जो मैंने आपको विज़िट करवाई थी लास्ट व्लॉग में, आई थिंक उसका मीनार और इसका मीनार सिमिलर ही है, मिलते जुलते हैं। अरे ये क्या है, वाह अनार है। तो गाइस ये है अनार का दरख्त, ये भी देख लो भाई लोग आप। पहले हम गए थे इसके इस तरफ, मेन एंट्रेंस जो इसकी थी वहाँ पर, और अभी मैं आपको ले कर जाने वाला हूँ यहाँ पे। ये आई थिंक ये डोर बंद है, इसके अंदर ही कुछ शॉप्स वगैरह थी सविनियर्स वगैरह लेने के लिए, और इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको लेके गया था। अभी चलते हैं नीचे, तो नीचे से थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। किला ये बहुत ही बड़ा है, छोटा नहीं है। पहले मुझे लगा सिर्फ वो इसकी जो मेन एंट्रेंस है सिर्फ वही है, अंदर से मैं घूम के आ गया, लेकिन अगर आप उसकी लेफ्ट राइट साइड पर जाओगे तो आपको और देखने को मिलेगा, और लेफ्ट साइड पर तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा भाई लोग। ये चेक करो आप, इसका आर्किटेक्चर चेक करो, और टाइल्स जो लगी थी अंदर वो भी बहुत खूबसूरत थी, और बाहर जो पत्थर लगे हुए हैं वो भी बहुत खूबसूरत है। और ये उस टाइम पे कुछ लिखा हुआ था तो इन्होंने सेपरेट सेपरेट करके यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है इसको। तो गाइस ये शहंशाह पैलेस की लास्ट जगह रह गई है विज़िट करने के लिए इस तरफ, और ये यहाँ से डोर बंद है, तो चलें इसके अंदर चलते हैं। इस तरफ भी कुछ कब्रें वगैरह बनी हुई हैं। ओके वाह, ये जनाब ये चीज़ है ना देखने वाली असल चीज़, बहुत पुराना है ये तो, 15th century से भी पहले का लग रहा है मुझे। हालत थोड़ी इसकी ख़राब हो चुकी है लेकिन फिर भी इन्होंने इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। और इसके नीचे भी जा सकता हूँ मैं,
ओहो, मैं नहीं जा, इसके नीचे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ से इन्होंने बंद किया हुआ है। अब ये है क्या चीज़ एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, बट दिखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। और उस तरफ देखो ये लोकल्स के घर वगैरह, वो तो रोज़ ही देखते होंगे इसे। Yeah, exactly. I'm from Pakistan. Oh. And you? Originally Pakistan, as in like we both. But now UK or why America? We born and bred in UK. Mom and dad from Pakistan. Mom and dad from Pakistan. Which city? We live. हम रहते हैं फैसलाबाद. फैसलाबाद रहते हैं हम. तो आप मुझे बताने फिर कितना time हो गया आपको यहाँ पे? इधर दो दिन हुए, तीन दिन हुए? तीन दिन हो गए. तीन दिन हुए, कैसा लगा? बहुत अच्छा. Amazing. बहुत अमेजिंग. Yes, absolutely. लोग बड़े फ्रेंडली हैं. बहुत फ्रेंडली एंड बहुत नाइस. पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों के तो ज्यादा मोहब्बत करते हैं वो. पाकिस्तानी बताओ उनको कि पाकिस्तानी हम, तो वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सीरियसली रिस्पेक्ट करते हैं. वो जो पुलिस वाला नहीं था, हाँ जी, वो हमें टूर कर रहा था. वो टूर कर पाकिस्तानी टूर दे रहा था हमारे भाई आपके लिए टूर करते हैं. ऐसा ही है, कौन करेगा ऐसे. लेकिन लैंग्वेज का वैसे काफी इशू है. लैंग्वेज का इशू है क्योंकि उनको ना तो एक तो आती है क्या नाम है, इंग्लिश इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं आती है उनको. ठीक है, तो ट्रैवल करने का प्रॉब्लम बनती है जब ट्रैवल करो ना. मेरा ख्याल अगले 10-15 साल में ठीक है. हाँ, लेकिन टूरिस्ट की जो है ना, टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत है यहाँ बाकू के अंदर. अगर आप बाकू की किसी भी सिटी में चले जाओ ना, आप सॉरी अजरबैजान की किसी भी सिटी में, इतना आपको टूरिस्ट नहीं मिलेगा जितना आपको यहाँ पे मिलेगा. ये मेन सिटी है, मेन सिटी, और यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है. बहुत कुछ है. यू नो यूके, नोबडी कम्स हियर, नोबडी कम्स हियर, वी डोंट नो एनीबॉडी दैट्स बीन हियर. यानी जो हमारे पाकिस्तानी है ना वहां के, उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं पता. मैंने बताया ना अजरबैजान. Even I told my family I'm here in the Baku. Where it is? Oh. When I show the place on the video and they say, okay, it's look old. It's not look good, Kabir. I thought, yeah, Baku. Ask me like Pakistanis, they're from England, Dubai, Pakistan. Yeah, they Pakistan, ask Pakistan, Dubai, you know, England. Turkey. Yeah, now exactly. They go to Turkey. Yeah. Exactly. Seriously, but place is very good. Very nice. It's beautiful. It's plus, amazing. अपना खाना भी है यहाँ. हाँ ये था. अभी आप ये देखें ना, ये सब यहाँ पे लोकल रह रहे हैं. बिल्कुल वो उन्होंने नहीं किया यहाँ पे डस्ट वगैरह, आप गंद तो बिल्कुल नहीं देखेंगे. नहीं नहीं, बहुत क्लीन सिटी है और बिल्कुल आसपास ही रह रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नुकसान नहीं कर रहे वो. इतनी ओल्ड 14 और 15 सेंचुरी में ये बनाया गया था, शहंशाह पैलेस, और उस टाइम का. और अभी भी देखे काफी वेल मेंटेन है. और पाकिस्तान में आपको देख लें, तारीखी चीजें हमारी अभी तक मेंटेन नहीं है. सीरियसली जब हमारे लोग इंग्लैंड आए ना, जब हमारे लोग इंग्लैंड में आए तो वो उनके जो हॉलवे थी ना, पुरानी टाइलिंग थी. एग्जैक्टली, डिग की कारपेट डाल दिया. ये हमारी मेंटालिटी, ये मेंटालिटी हमारी, बस जो पुरानी तारीखी चीजें उसको उठा के हमने फेंक दिया, उसकी वैल्यू ही नहीं है. चलें, ये हमारी मेंटालिटी है भाई, पुरानी चीज की वैल्यू ही नहीं. चलें, आपसे बात करके अच्छा लगा. नो मुलाकात होगी. श्योर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज. तो गाइज ये मुझे एक मिली है पाकिस्तानी फैमिली, लेकिन ये यूके बॉर्न है. जितने भी पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, तो यही कहूँगा कि आप ज़रूर आओ और इसको विजिट करो बाकू को. बहुत सी प्लेसेस ऐसी हैं जो कि देखने के लिए हैं. ओके ब्रो, टेक केयर. सो गाइज ओवरऑल ये था मेरा आज का व्लॉग. आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा. फैमिली, पाकिस्तानी फैमिली से भी मुलाकात होगी. टूरिस्ट यहाँ पे बहुत हैं, लेकिन पाकिस्तानी मैंने देखा है इतने ज़्यादा नहीं है, कम ही है. बाकी लैंग्वेज का इशू तो चलता रहेगा. उनको भी लैंग्वेज का इशू था, वो बोल रहे थे कि हमें भी थोड़ा लैंग्वेज का यहाँ पे इशू है. लेकिन लोग यहाँ के बहुत, आप कह सकते हो, बहुत नाइस हैं, प्यार देने वाले. जब पाकिस्तानी बताते हो आप, तो वो खुद ही कहते हैं कि हम आपको टूर करवा देते हैं, नो प्रॉब्लम. अब वो कह रहे थे कि मुझे टूर करवा रहा था वो सिक्योरिटी गार्ड, वो मुझे बता रहा था. तो पीपल आर वेरी लवली. और गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग. आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा. तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत लंबा व्लॉग हो चुका है ये. मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.